हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू स्टडी के और यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, हम लोग 9th और 10th का कंटेंट पढ़ रहे थे, 11th 12th का। तो बच्चों, आज की वीडियो में मैं छोटे बच्चों के लिए भी कंटेंट लेके आया हूँ, ठीक है। मैं क्लास 7th में अलजेब्रा पढ़ाने जा रहा हूँ, क्लास 7th के लिए, ठीक है। जैसा कि बच्चों आप लोग को पता है, हम क्लास 7th के लिए हम लोग नंबर सिस्टम, नंबर्स का नॉलेज ले चुके हैं। आज हम अलजेब्रा मैथ के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, बिना टाइम को वेस्ट करते हुए मैं शुरू करता हूँ। देखो बच्चों, चैप्टर का नाम है, ये आपका क्लास 7th में चैप्टर नंबर 12 है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। देखो बच्चों, अल्जेब्रा क्या होता है। जैसे कि सबसे पहले हम इंटीजर के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप पहले ही पढ़े हैं। इंटीजर्स मतलब जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे इंटीजर्स नंबर थे। यानी वो सारे नंबर जो नंबर लाइन में शो करते थे, वो सब क्या थे? इंटीजर्स थे, ठीक है। अब बच्चों, हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम अल्जेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। अब बच्चों, अलजेब्रा मीन्स कि जैसे कोई भी नंबर हो गया, मतलब जैसे ये हो गया 2x + y, ये एक अलजेब्रिक फंक्शन है, ठीक है। जैसे मैं और बोल दूँ कोई 3x² + 2x + 6, तो यहाँ पे बच्चों जो ये x आ रहा है, ये x, y, z, ये सब बच्चों अलजेब्रा होते हैं, ठीक है। जैसे a से लेके z तक, a b c d, तो बच्चों ये सब जो सारे टर्म आते हैं, ये सब क्या हैं? अलजेब्रा हैं, ठीक है। जैसे बच्चों, मैं आपसे बोलूँ कि नॉर्मली आपको अगर 2 में 2 को ऐड करना है, तो बच्चों आप क्या बोलेंगे? 4 बोल देंगे, ठीक है। तो लेकिन अगर अलजेब्रा में बच्चों, अगर आप 2 में x को ऐड करेंगे, तो यही रहेगा, ये 2 + x ही रहेगा, ठीक है। ये ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब बच्चों, इसमें हम अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कोई भी वर्ड हो गया, ठीक है, कोई भी अल्फ़ाबेट हो गए, ये सब अलजेब्रा में आ जाते हैं, ठीक है। और जो आप नंबर पढ़ते थे, 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे क्या थे? इंटीजर्स थे, ठीक है। मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ, क्योंकि अभी आप छोटी क्लासों में हैं, क्लास 7 में। अब बच्चों, जैसे मैं आपसे बोलूँ कि एक्स और एक्स को आपस में ऐड करना है, तो क्या आएगा? तो बच्चों ये देखिए, ये एडिशन होता कैसे है, ये किस बेस पे हम इसे ऐड करते हैं। तो देखो बच्चों, अलजेब्रा में जब भी लाइक टर्म होंगे, लाइक टर्म मतलब एक जैसे टर्म, तो आपस में वो ऐड होंगे, और जो अनलाइक टर्म होंगे, वो आपस में ऐड नहीं हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों, मैथ में आपको सिंपल एडिशन तो आता ही होगा। जैसे मैं आपसे बोलूँ, अगर आपको 10 में 10 को ऐड करना है, तो आप बोलोगे सर 20 आएगा, ठीक है। लेकिन यही 10 में b को ऐड करना है, तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। क्यों ऐड नहीं होगा बच्चों? क्योंकि ये लाइक टर्म नहीं है, ये एक इंटीजर है। ये क्या है? एक मतलब ये अलजेब्रा फंक्शन हो गया आपका, ये इंटीजर है, ये कोई अलजेब्रा हो गया, ठीक है। अब जैसे मैं आपसे बोलूँ कि ये क्या है? x है, ये भी x है, तो ये लाइक टर्म है, ठीक है। यानी इनकी कैटेगरी सेम है, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे। तो ये x और x ऐड होकर क्या हो जाएगा बच्चों? 2x हो जाएगा, ठीक है। देखो बच्चों, अलजेब्रा में ये तभी ऐड होंगे जब इनका क्या हो? कैटेगरी सेम हो। जैसे मैं आपसे बोलूँ कि यक्स में आप वाई को ऐड करो, तो ये ऐड नहीं होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी कैटेगरी अलग है, इसकी कैटेगरी अलग है, ठीक है। तो अलजेब्रा के नंबर्स तभी ऐड होंगे जब इनके क्या हो? कैटेगरी सेम हो, ठीक। जैसे बच्चों, अगर वाई में वाई को ऐड करना हो, तो 2 आ जाएगा, ठीक है। कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए, जैसे 3y में y को ऐड करना हो, तो बच्चों क्या आ जाएगा? ये 4y आ जाएगा। ये ऐड इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि बच्चों इनकी और इनकी क्या कैटेगरी आपस में सेम है, ठीक है। लेकिन ये अगर कैटेगरी ना सेम होती, जैसे मैं बोलूँ कि 3x में 2x को ऐड करना है, तो बच्चों ये आपस में ऐड होंगे? ये ऐड नहीं हो पाएंगे, ये इसलिए ऐड नहीं होंगे बच्चों, सॉरी, ये तो ऐड हो जाएंगे क्योंकि इनकी कैटेगरी आपस में सेम है। ये 3x है, ये 2x है, तो ये 5x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी एक्स कैटेगरी का है, ये भी एक्स कैटेगरी का है, दोनों की कैटेगरी सेम है ना, इसलिए ये ऐड हो जाएंगे। लेकिन यही मैं आपसे बोलूँ कि 3x में 2y को आप ऐड कीजिए, तो क्या ये ऐड हो पाएगा? ये ऐड नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो यानी कि आपने एक बात सीखी यहाँ पे, आपने पता है क्या सीखा? आपने ये सीखा कि अलजेब्रा के नंबर्स तभी ऐड होंगे जब उनकी क्या हो? कैटेगरी सेम हो। अगर वो उनकी कैटेगरी सेम नहीं है, तो वो ऐड नहीं हो सकते, ठीक है। जैसे मैथ में आप नॉर्मली इंटीजर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन अलजेब्रा के जो नंबर्स हैं, वो ऐड नहीं होंगे। जो अलजेब्रिक फंक्शन है, उन्हें हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उनकी कैटेगरी सेम हो, ठीक है।
हम कुछ और एग्जाम्पल को लेते हैं तो आप समझ पाओगे। देखो बच्चों, जैसे ये क्या है, 6y है, ये प्लस 9y है, तो ये ऐड होके कितना हो जाएगा, 15y हो जाएगा। ठीक है, आप एकदम बेसिक से समझ लीजिए। जैसे बच्चों अगर x में x को ऐड करना है तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, क्योंकि ये भी x है ये भी x है, तो x x ऐड होकर 2x हो जाएगा। ठीक है, और अगर y में y को ऐड करना हो तो बच्चों क्या हो जाएगा, y प्लस y, तो ये 2y हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये x में y को ऐड करना हो बच्चों तो ये x प्लस y ही रहेगा, ये एज इट इज ही रहेगा, ये चेंज नहीं होना है। इसे आप गलती से x y मत लिख दीजिएगा, अगर आप गलती से ऐसे लिख दिए x y तो ये रॉन्ग हो गया बच्चों। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि 6y प्लस 2x, तो क्या बच्चों ये ऐड होगा, ये ऐड नहीं होगा। ये इसलिए ऐड नहीं होगा क्योंकि ये y की कैटेगरी का है और ये x की कैटेगरी का है। ये ऐड तभी होंगे बच्चों जब इनकी कैटेगरी सेम हो गई, ये डिफरेंट कैटेगरी के हो गए ना, इसलिए इनको ऐड नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यही 6y प्लस 20y हो जाए तो बच्चों ये ऐड होके क्या हो जाएगा, 26y हो जाएगा, क्योंकि इनकी कैटेगरी सेम है ना, ये भी y और ये भी y, तो ये 26y हो गया। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अब देखो बच्चों, हम कुछ एडिशन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। हम ये देखते हैं कि हम अलजेब्रिक फंक्शन को आपस में ऐड कैसे कर सकते हैं। जैसे बच्चों, मैं आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन दे दिया और ये सेकंड दे दिया, ठीक है, ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है, जिसमें बोलो कि इन तीन नंबर्स को ऐड करना है, इसे इसे और इसे। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे बच्चों, इनकी कैटेगरी देखेंगे, यानी ये लाइक फंक्शन है कि अनलाइक है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर रहे होंगे बच्चों, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यहाँ भी एक्स वाई है, यानी तीनों टर्म में बच्चों क्या है, एक्स वाई है, यानी ये क्या कर रहे हैं, सेम कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, 3xy में प्लस 6xy को ऐड कर देना है, प्लस इसमें माइनस 4xy को ऐड करना है। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का साइन है, तो यहाँ पे तो माइनस का साइन ही रहेगा। ठीक है, तो बच्चों देखिए, सीधा सीधा आप ऐड कर दीजिए, 6 में 3 को ऐड करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9xy माइनस 4xy। ठीक है, अब इसे आप माइनस कर दीजिए, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 5xy आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो बच्चों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x² है, तो एक्स स्क्वायर में सबसे पहले आप 2x² को ऐड कर दीजिए, फिर माइनस 3x² है। तो क्या आपने पढ़ा भी, लाइक टर्म ऐड हो जाते हैं, तो 2x² x² ये एक्स स्क्वायर, तो सबकी कैटेगरी सेम है बच्चों, सभी क्या लाइक टर्म है, तो ये 2x² में x² ऐड हो जाएगा तो 3x² आ जाएगा, 3x² माइनस 3x², फिर ये सेम नंबर आ गया क्या, फिर दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो इस टाइप से हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में मैं इस चैप्टर के और जितने सारे क्वेश्चन हैं आपको कराऊंगा। यहाँ तक मैंने आपका बेसिक क्लियर कर दिया है, अब आपको जो भी डाउट हो एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।